कंट्रोल बीडीसी सदस्य को बदमाशों ने गोलियों से भूना। अस्पताल जाते वक्त रास्ते में बीडीसी सदस्य की हुई मौत। आजमगढ़ में क्राइम हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। बड़ी खबर, बीडीसी सदस्य को बदमाशों ने गोलियों से भूना। बता दें कि अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में बीडीसी सदस्य की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवई थाना के जल्दीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां पर क्राइम हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में बीडीसी सदस्य की हुई मौत। पवई थाना के जल्दीपुर गांव के पास की घटना बताई जा रही। फिलहाल भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से, जहां पर क्राइम हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल। और जिसको गोली लगी अर्जुन यादव पुत्र बुधई, और दुकान उनके पवई में है पतंजलि की, वहाँ से वो चले लगभग 8 बजे करीब रहा होगा समय। वहाँ से 3 बाइक सवार थे लोग जो देखे वहाँ घटनास्थल में। गोली मारी गई, गोली एक सामने से लगी, एक पीछे से लगी और तुरंत गिर पड़े। और हमको जानकारी, हम तो घर पर थे, लेकिन जानकारी हमको जो है एक दूसरे के माध्यम से जो सड़क राहगीर जा रहा था उससे मिली। दुकान बंद करके 8 बजे लगभग घर जा रहे थे। गांव में मतलब पवई से 1 किलोमीटर दूर है। वहां जब क्रॉस करने लगे मोड़ पे अपने, उसके पहले में जो है अब कौन लोग गोली मारे कोई देखा नहीं। पवई बाजार से जो श्री अर्जुन यादव अपने गांव जल्दीपुर जा रहे थे, तो पवई बाजार से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ पर उन्हें 2 गोली मारी गई, जैसा कि अभी तक बताया गया है। और 2 खोखे भी मौके से मिले हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ हॉस्पिटल जाते समय उनकी डेथ हो गई है। बढ़ेंगे खबरों में, बता दें कि आज प्रदेश और राजधानी में कोरोना का